तो सबसे पहली बात तो है कि हम लोगों को जो ठीक और गलत है या सही है इसका एक मैार है हमारे दिन में इसका एक मैार है और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से कल के खुतबे में समझाया है और मैं चाहूँगा कि आप लोग ये प्रोग्राम के बाद जो है बरए मेहरबानी उस खुतबे को भी सुन लें ये मैंने एक मिसाल दी थी कि कल जो है यहाँ पर यूके के अंदर गुड फ्राइडे लोग मनाते हैं तो मैंने कहा कि क्या मुसलमान गुड फ्राइडे मना सकते हैं तो सब ने तकरीबन कह दिया कि नहीं मना सकते हैं तो मैंने फिर उनको और आसान करके बताया कि हम लोग इसलिए नहीं मना सकते हैं क्योंकि गुड फ्राइडे का जिक्र कुरान में भी नहीं है गुड फ्राइडे का जिक्र हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादिश में भी नहीं है गुड फ्राइडे का जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात व तयबा में भी जिक्र नहीं आया है गुड फ्राइडे का जिक्र जो है सहाबा के हयात व तयबा में नहीं आया इसी तरह गुड फ्राइडे का जिक्र हमारे जो है फोर जो चार बड़े मुआज़ इमाम गुजरे हैं अपनी ज़िंदगी में उनकी ज़िंदगी में भी कभी इसका जिक्र नहीं आया तो गुड फ्राइडे का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता तो इसी तरह मैंने कहा कि यही शर्तें जो हैं हम शब बारात के लिए रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि शब बारात में क्या करना है और क्या नहीं करना है शब बारात का ज़िक्र कुरान में नहीं है जो लोग कुरान से जो है दलीलें लेते हैं ये मैंने जुमे के ख़ुदबे में समझाया कि वो ग़लत फहमी है उनकी अल्लाह ताला हर मुसलमान को जो है हक समझने और उसको कबूल करने की तोहफ़ अतः फरमाए मैंने कुरान की ही दलाइल से समझाया है कि शब बारत का जिक्र कुरान में नहीं है शब बारात का जिक्र अहदीस में आया है और जिन जिन अहादीस के अंदर जो है ये इसका जिक्र आया है कि जहाँ पर सोम यो वक़ूम ला कि तुम रात में जो है शब बारत की रात में तह क़्याम करो और दूसरे दिन जो है उसके शब बारात के दिन के जो नए दूसरा दिन है उसमें रोज़ा रखो यह मैंने पूरी तफसील के साथ हवालों के साथ अरबी में पढ़ कर उर्दू में इंग्लिश में समझा कर मैंने ये बताया है कि जो मदसिन ने इस रिवायत को नक़ल किया है वो खुद ये महदसिन कहते हैं कि यह हदीस गढ़ी हुई है झूठी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की कोई जो है सही हदीस में इस रात में शब बारात में जो है इबादत का जिक्र नहीं किया दूसरी बात मैं आपको ये समझाऊं कि शब का मतलब है रात और बारात का मतलब है बरी करना यानी जहनम की आग से आज़ाद करना और यह दोनों जो है दो अलग ज़बानों के लफ्ज़ों को मिलाया गया है एक लफ्ज़ जो है शब जो है ये फारसी लफ्ज़ है जो अरबी में नहीं आता और रात जो है बारात जो है और जो बारात का जिक्र आया है ये अरबी लफ्ज़ है कि जिसमें लोगों को गुनाह से और जहनम के आग से बरी करना है तो नबी पाक से सल्लम से तो ये लफ्ज़ आएगा नहीं सहाबा से ये लफ्ज़ आएगा नहीं क्योंकि ये जो है अरबी बोलते थे और अरबी में ये दो लफ्ज़ नहीं आए हैं तो जो पहले तो ये पता चल गया कि यह नबी पाक से भी साबित नहीं होगा लेकिन निसफ मिन शाहबान का जो जिक्र आया है ये हदीसों में आता है जिसको कहते हैं पंद्रहवीं शाबान और आज के मुसलमान उसी पंद्रहवीं शाबान को ही शब बरात कहते हैं और वो जो है सूर दुखान जो है सूर नंबर चवालीस जो है फोर्टी फ़ोर उसकी पहली छः आयतें और सूर क़दर जो है जो सतानवे नंबर है इसकी सूरत का इसकी आयतों को सूर क़दर को सूर दुखान को ये मिला कर लोग कहते हैं कि एक ललितर की रात है और एक बरकत वाली रात है लतमारक का इन्ना फ़ी लल मुबारकिन ये सूरत दुखान में है और इन्ना अन्लाफ़ी ललत अकदर हमने इसको नाजिल किया लल़दर में तो ये दोनों आयतों को अगर मिलाएँ तो ये लल़दर का ज़िक्र आया है इसमें शब बारात का जिक्र नहीं आया लेकिन लोग उसको या तो झूठ बोलते हैं जानबूझ के या फिर गलतियाँ कर रहे हैं तो और फिर क़ुरान कहता है कि शाहरुरमान लवि अनुन जिला फ़ि क़रअन हद नासीब नबई नातिद वलफ़ुरक़ान अल्लाह कहता है कि हमने कुरान को रमज़ान में नाजिल किया अल्लाह कहता है सूर दुखान में कि हमने इसको मुबारक वाली रात में नाजिल किया अल्लाह कहता है सूर कदर में कि हमने जो है इसको ललित़दर की रात में नाजिल किया तो ललितर और रमज़ान का महीना ये बताता है कि यह शाबान का महीना नहीं है तो ये बिल्कुल वाजह हो गया कि यह रात का ज़िक्र जो है कुरान शब बरात में नहीं नाजिल हुआ कुरान नाजिल हुआ है तो रमज़ान की रात में नाजिल हुआ रमजान के महीने में उतरा और ललितर में उतरा और ललितर रमज़ान के महीने में शाबान के महीने में नहीं तो तो है ये एक हो गया तो कुरान में नहीं हदीस में जो आया है मैंने कहा कि रोज़ा रखना और ये क़्याम करना ये हदीस झूठी है नबी पाकल्लम पर झूठा गड़ा गया है और फिर तीसरी चीज़ यह है कि नबी पाक़ल वसम की तेईस साल ज़िंदगी के अंदर कभी भी आपने कब्रस्तान में कोई इबादत नहीं की है तो ये जो कल जो लोग करेंगे या आज की रात से जो कब्रस्तान में बैठ के जो दुआएं करेंगे इसका कोई जिक्र जो है ना तो कुरान से साबित है, ना हदीस सेबित है इबादत जो है कब्रस्तान में होती ही नहीं है क्योंकि नबी पाक सल वसम ने कहा कि इबादत करो अपने घरों में और अपने घरों को कब्रस्तान ना बनाओ इससे वाज हो जाता है कि घरों को अगर इसमें तिलावत और जिक्र अल्लाह का ना हो तो ये कब्रस्तान बन जाएगा इसका मतलब यह है कि कब्रस्तान के अंदर अल्लाह का जिक्र और इबादत नहीं होती ओके द ब्रदर हैज़ आज मे दिस क्वेश्चन दैट वॉट इज़ द यू नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेइंग द नाइट ऑफ फिफ्टी ऑफ शाबान एंड वॉट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फास्टिंग फिफ्टी ऑफ शाबान सो माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इफ़ यू प्लीज go back to my yesterday's khutbah that inshallah will give you the complete answer after you have finished the program with me you can click on that and inshallah forward to all the brothers and sisters at least to tonight so that they can listen and they'll know that what should we be doing on this particular night